नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मंदसौर आबकारी विभाग ने कल शराब में 10% की छूट देने वाले आदेश को आज निरस्त कर दिया है। मामले की तूल पकड़ने के बाद विवादित आदेश को वापस लिया गया है, साथ ही देशी शराब दुकानों पर लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी को भी निरस्त कर दिया है। दरअसल कल आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर मंदसौर की 3 देशी शराब की दुकानों पर कोरोना के दोनों डोज लगे हुए व्यक्ति को शराब में 10% की छूट देने का आदेश जारी किया था और इन दुकानों पर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी बयान जारी कर विरोध दर्ज कराया था। फिलहाल आदेश निरस्त करने पर मंदसौर DM का कहना है कि सेकेंड डोज लगाने के लिए प्रेरित करने को लेकर शराब ठेकेदारों की पहल पर सिर्फ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे वापस लिया गया है। DM का कहना है कि शराब के व्यापारी ही दोनों डोज लगे हुए व्यक्ति को शराब खरीदी पर 10% की छूट देना चाह रहे थे। इनका कहना है, मामले में मंदसौर आबकारी अधिकारी अनिल सचान का कहना है कि शासन स्तर से लोगों को सेकेंड डोज लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर हमने शराब व्यापारियों से चर्चा की थी, जिस पर उन्होंने दोनों डोज लगाए हुए व्यक्ति को 10% छूट देने की बात कही थी। बस इसी को लेकर हमने उनका सहयोग किया और चुनिंदा शराब दुकानों पर प्रयोग के बतौर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। देखो आज क्या है, चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ की भी पूरी ड्यूटी है। आज आप लोग की भी ड्यूटी है, आप लोग पेपर में लिखें, आप लोग भी लिखाएं कि यार आपको तो आपसे दूसरी बात नहीं करेगा। हमको तो चैनल से दिया हुआ था कि जिसकी भी कंट्रोल करो से, मतलब देखिए क्या है, आज हमारे देश का हर वर्ग, हर चीज, हर चीज। सर एक आदेश जारी हुआ था कल और उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, इस पर जो विधायक उन्होंने ट्वीट भी किया। ये जो आदेश है, चूंकि वो आबकारी अधिकारी ने जारी कर दिया, इससे ये भ्रम की स्थिति निर्मित हुई कि संभवतः शासन या प्रशासन या शासकीय अधिकारी ने कोई छूट दे दी है। किसी भी आबकारी या शराब के व्यवसाय में छूट जो है शासन स्तर पर अगर निर्णय होता है तो पूरे प्रदेश में लागू होता है। तो इस तरह का कोई निर्णय प्रशासन या जिला स्तर पर या आबकारी अधिकारी के स्तर पर नहीं लिया जा सकता। घटनाक्रम के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत विस्तार से आबकारी अधिकारी से चर्चा भी की थी। कल शाम को भी मेरे सामने मामला संज्ञान में आया था, तब ये था कि कुछ जो शराब के व्यापारी हैं वो सेकेंड डोज के नाम पे 10% की छूट देना चाह रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि व्यापारी संगठनों से भी हमारी चर्चा हुई थी और सभी लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि सेकेंड डोज को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सबको करना चाहिए, पूरे समाज को करना चाहिए। लेकिन चूंकि शराब से जुड़ा हुआ मामला था और जिला आबकारी अधिकारी ने एक पत्र जारी कर दिया था, इससे ये भ्रम बना कि ये शासन का निर्णय, शासन का निर्णय बिल्कुल नहीं था। आज ही आबकारी अधिकारी से बात करके जो ड्यूटी उन्होंने लगा रखी थी वो विड्रॉ करने का मैंने पत्र जारी करा दिया है। तो अब ये कोई भी व्यापारी अगर अपनी तरफ से अगर समाज हित में कोई निर्णय लेना चाहे तो वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर सकता है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त से भी मेरी चर्चा हो गई है, वो पत्र हमने विड्रॉ कर लिया ताकि कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। सर, जो फिलहाल जो ये आदेश था, क्या निरस्त किया गया? ये आदेश जो है वो जिन शराब की दुकानों में छूट की बात थी वहाँ ड्यूटी लगा दी गई थी कुछ लोगों की, तो उससे ऐसा भ्रम फैला कि ये शासन करा रहा है या जिला प्रशासन की ओर से हो रहा है। इससे जब भी जो ठेकेदार रहते हैं वो कभी भाव में कमी होती है तो उसका बड़ा एक बोर्ड लगाते हैं, अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला वहाँ पर। वो वहाँ शायद पोस्टर लगा होगा कि सेकंड डोज लगवाएं 10% की छूट पाएं, तो ये उसी का डिस्क्रिशन है। अगर उसको बेचना है वो तो विधायक जी को भी भारी आपत्ति थी, तो मैंने उनसे भी चर्चा की सुबह, तो बातचीत से ये समझ में आया कि ये ट्रेंड रहा है। लास्ट में जो है वो तो बड़े बड़े बोर्ड लगा के छूट दे के अपना व्यापार बढ़ाते हैं, उसी तरह से व्यापारी को उस तरह से बोर्ड लगा के अपना करना चाहिए। मेरी तो अपील ये है कि ठीक है शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन बाकी जो व्यापारी संगठन हैं, दवा विक्रेता संघ हैं, किराना व्यापारी संघ हैं, जो सुपरमार्केट्स वगैरह चल रहे हैं, अगर इस तरह की थोड़ी सी छूट वो लोग भी अपनी तरफ देने की कोशिश करें। चूंकि ये मामला शराब से जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अन्य लोग भी इस तरह की छूट दें तो सेकेंड डोज को बढ़ावा देने में बहुत अच्छी प्रगति मिल सकती है। रखिए देश के हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल
फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।